एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा कि डेमन और कॉलिस ने साथ मिलकर क्रैब फीडर के खिलाफ जंग छेड़ दी। एपिसोड 3 की स्टोरी 3 साल का टाइम जंप लेकर शुरू हुई। एलिसन और विसेरिस को एक बेटा हुआ, एगॉन, और एलिसन ऑलरेडी दूसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी में थी। विसेरिस के किंगडम में सबने मान लिया था कि आयरन थ्रोन का अगला सच्चा हकदार एगॉन ही है, द ट्रू हीरो। ऑब्वियसली रैनीरा इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। वो अच्छे से जानती थी कि अवाम और सेवन किंगडम्स के बाकी लॉर्ड्स ने एगॉन द सेकंड को अगला राजा मान लिया था, द सेकंड ऑफ हिज नेम। सारे यहां एगॉन का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। विसेरिस भी फुल ऑन सेलिब्रेशन के मूड में था, लेकिन तभी इसके मास्टर ऑफ द शिप्स टाइलन लैनिस्टर ने आकर राजा को एक अर्जेंट खबर सुनाई। कॉर्लिस के स्मॉल काउंसिल से जाने के बाद शायद टाइलन लैनिस्टर राजा का नया मास्टर ऑफ शिप्स बन गया। कॉर्लिस और डेमन ने क्रैब फीडर के खिलाफ लड़ाई तो छेड़ दी, बट सरप्राइजिंगली स्टेप स्टोन्स में जंग लड़ना इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था। स्टेप स्टोन्स के छोटे छोटे पहाड़ी आइलैंड पर ढेर सारे केव्स बने थे। एक बार क्रैब फीडर की आर्मी केव्स में घुस गई तो उन्हें ड्रैगन से डरने की कोई जरूरत नहीं। शुरू शुरू में डेमन का ड्रैगन अटैक काम कर गया, लेकिन बाद में क्रैब फीडर की आर्मी इन दोनों पर भारी पड़ने लगी। इस लड़ाई में कॉर्लिस को काफी माली नुकसान हुआ। टाइलन को लगता है कि राजा को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन विसेरिस को इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। कॉर्लिस और डेमन ने विसेरिस के पीठ पीछे जंग की शुरुआत की थी, अब झेलो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। विसेरिस को स्टेपस्टोन्स की लड़ाई से ज्यादा तो रेनीरा में इंटरेस्ट था। रेनीरा एगॉन की बर्थडे पार्टी बंक मार के गॉड सूट के नीचे बैठी पढ़ाई कर रही थी, लाइव एक्शन स्पॉटिफाई के साथ। इसे अंदर जाकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ानी। क्वीन एलिसन ने रेनीरा को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके ना मानने पर एलिसन ने इसे अपने साथ चलने का ऑर्डर दिया। एगॉन का बर्थडे मनाने विसेरिस ने रॉयल हंट प्लान किया था। रास्ते में विसेरिस ने रेनीरा को बताया कि जल्द ही इसे भी बच्चा पैदा करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। यह सुनते ही रेनीरा का खराब मूड और भी ज्यादा बिगड़ गया। यहीं हमारी मुलाकात लाइनन स्ट्रॉन्ग के दो बेटे हार्विन और लैरिस से हुई। लाइनन स्ट्रॉन्ग राजा का मास्टर ऑफ लॉज है। विसेरिस की बग्गी से उतरते ही ऑटो के भाई हॉबर्ट ने इनडायरेक्टली एगॉन को सबके सामने अगला राजा बुलाया, ताकि शुरू से ही सबके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए। रेनीरा ऑकवर्डली पार्टी में अकेली घूम रही थी। यहां साफ जाहिर हो गया कि इधर रेनीरा को कोई भाव नहीं देता। फिर रेनीरा ने अपना गुस्सा टी पार्टी करने वाली रॉयल औरतों पर निकाला, जो स्टेपस्टोन की लड़ाई को लेकर बिना लॉजिक वाली बातें कर रहे थे। लैरिस स्ट्रॉन्ग एक एक क्लब फुट चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। लैरिस को मास्टर ऑफ विस्पर्स भी कहा जाता है। इन शॉर्ट, इस बंदे पर ध्यान रखना। बाहर आते ही टाइलैंड के जुड़वा भाई जेसन लैनिस्टर ने रेनीरा को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। इसने तो रेनीरा के ड्रैगन के लिए अपने इलाके में ड्रैगन पिट बनाने की भी तैयारी कर ली। भाई तो धूम के अली से भी आगे निकल गया। यह सुनते ही रेनीरा गुस्से में विसेरिस से मिलने चली गई। वो अच्छे से जानती थी कि विसेरिस ने जेसन को पट्टी पढ़ाकर इसके पीछे भेजा होगा। फिर विसेरिस और रेनीरा के बीच इसकी शादी को लेकर जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। जब से रेनीरा बालिग हुई है उसे ढेर सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन रेनीरा ने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। रेनीरा ने विसेरिस को साफ साफ बता दिया कि उसे शादी नहीं करनी। यह सुनकर विसेरिस की आवाज और चढ़ गई। सबके बीच राजा और प्रिंसेस को लड़ता देख ऑटो ने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की। हंटर्स ने जंगल में एक व्हाइट हार्ट को ट्रैक किया था। सफेद हिरन का मिलना एक तरह की डिवाइन निशानी है। ऑटो को लगता है कि यह गॉड्स की तरफ से एक साइन है कि एगॉन आगे चल के एक अच्छा राजा बनेगा, लेकिन उसके लिए विसेरिस को व्हाइट हार्ट का शिकार करना होगा। रेनीरा को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वह घोड़ा लेकर अकेली जंगल में चली गई। सर क्रिस्टन कोल प्रिंसेस की रक्षा करने उसके पीछे चल दिया। व्हाइट हार्ट के शिकार के लिए जेसन ने विसेरिस को स्पेशल स्पीयर गिफ्ट किया। जेसन की बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वो और रम के बाकी लॉर्ड्स एगॉन को ट्रू एयर मानते हैं। यह सुनते ही विसेरिस की फुल सटक गई। विसेरिस ने रेनीरा को बस टाइम पास करने के लिए एयर नहीं बनाया था, उसके पीछे भी एक वजह है। इन्हीं ख्याल में विसेरिस भर भर के वाइन पीने लगा। जेसन का राजा को खुश करने वाला प्लान बुरी तरह से बैकफायर हो गया। विसेरिस ने ऑटो को बताया कि उसे रेनीरा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, वो तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। यहीं पर ऑटो ने विसेरिस को सलाह दी कि भलाई इसी में है कि वह रेनीरा और उसके 2 साल के भाई एगॉन की आपस में शादी करा दे। विसेरिस यहां एंजॉय करने आया था, उसे फिलहाल इन पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पड़ना। विसेरिस को भड़कता देख ऑटो ने वहां से कल्टी मार ली। बट ये लोग विसेरिस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले।
एक सरदर्द गया नहीं कि दूसरा खिदमत में हाजिर। लाइनल को लगता है कि रेनीरा की शादी कॉर्लिस के बेटे एलेनोर से करानी चाहिए। सेम वही पावर को बढ़ाने वाला रीजन। विसेरिस लाइनल को इग्नोर करते हुए वाइन लेकर बाहर चला गया। उधर कोल ने रेनीरा को किसी तरह शांत कर दिया था। दिन भर जंगल में भटकने के बाद ये दोनों बॉन फायर के पास बैठे थे। रेनीरा को अब भी एक ही बात खाई जा रही थी, क्या रैम कभी उसे एज ए क्वीन एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा सोच विचार करने के बाद क्रिस्टन कोल ने इसे बताया कि ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तभी उनके ऊपर एक जंगली बोर ने हमला कर दिया। कोल ने रेनीरा को उस बोर के अटैक से बचा लिया, बट बाद में रेनीरा ने अपना सारा गुस्सा उस अधमरे बोर पर निकाल दिया। विसेरिस ने नशे में एलिसेंट के सामने कन्फेस किया कि उसने रेनीरा को सिर्फ इसीलिए एयर बनाया था ताकि वो डेमन को आयन थ्रोन से दूर रख सके। इनकी फैमिली में ड्रैगन चलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रोफेसी के सपने देखने वाले काफी कम हैं। विसेरिस के इन्हीं सपनों की वजह से उसने एमा को खो दिया, और अब उसे लगने लगा है कि शायद रेनीरा को एयर बनाकर भी इसने कोई गलती कर दी, क्योंकि रेनीरा को प्रिंसेस वाली ड्यूटीज की जरा भी परवाह नहीं, उसे तो हमेशा अपनी मनमानी करनी है। विसेरिस को जल्दी एक और डिसअपॉइंटिंग खबर मिलने वाली थी। जिस हिरन को वो ट्रैक कर रहे थे वो व्हाइट हार्ट नहीं बल्कि एक रेगुलर हिरन था। विसेरिस ने निराश होकर जेसन के दिए भाले से उस हिरन को मार दिया, लेकिन इसमें भी राजा को दो बार ट्राई करना पड़ा। आयन थ्रोन से मिले जख्म की वजह से विसेरिस को दो उंगलियां काटनी पड़ी, इसीलिए वो भाले पर मजबूत पकड़ नहीं बना पा रहा था, इंडिकेटिंग कि विसेरिस अब फिजिकली और मेंटली भी कमजोर बनते जा रहा है। रेनीरा और क्रिस्टेंसन पहाड़ी के किनारे बैठे व्यू के मजे ले रहे थे कि तभी वहां व्हाइट हार्ट आ गया। क्रिस्टन ने तलवार निकालकर हिरन को मारने की कोशिश की, लेकिन रेनीरा ने उसे रोक लिया, इंडिकेटिंग कि अपने पावर और हक को साबित करने रेनीरा को किसी मासूम जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि ये ओल्ड गॉड्स का साइन हो कि रेनीरा ही ट्रू एयर टू द आयन थ्रोन है। खून में लथपथ रेनीरा सर उठाकर राजा के कैंप में चली गई। रेनीरा के लाए शिकार को देखकर हार्विन स्ट्रॉन्ग काफी इंप्रेस था। बाकी सारे हैरान होकर रेनीरा को देखने लगे। ऑटो ने एलिसेंट को पट्टी पढ़ाई कि उसका बेटा एगोन ही आयन थ्रोन का असली हकदार है। जब तक एलिसेंट खुद से यह बात विसेरिस के दिमाग में नहीं डालती उसे यह समझ नहीं आने वाला। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एलिसेंट मान गई। एलिसेंट इसी बात को डिस्कस करने विसेरिस के चेंबर में गई थी, लेकिन कॉर्लिस के भाई का भेजा लेटर देखकर इसने टॉपिक चेंज कर दिया। कॉर्लिस के भाई ने डेमन के पीठ के पीछे विसेरिस से मदद मांगी थी। एलिसेंट ने राजा को समझाया कि रैम की भलाई के लिए क्रैब फीडर से छुटकारा पाना जरूरी है। विसेरिस समझ गया और डेमन की मदद करने इसने कुछ शिप्स और मैसेंजर के साथ अपना जवाब भेजा। रेनीरा को लगता है कि विसेरिस एगोन को राजा बनाकर इसे बिजनेस डील की तरह यूज करना चाहता है, इसीलिए विसेरिस ने एलिसेंट से शादी की ताकि वो फटाफट बेटा पैदा करके रेनीरा से छुटकारा पा ले। क्योंकि अगर विसेरिस को पावर के लिए शादी करनी होती तो वो एलिसेंट से नहीं लीना से शादी करता। फिर विसेरिस ने रेनीरा से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेनीरा को रिप्लेस नहीं करेगा, रेनीरा का हक उसे मिलकर ही रहेगा, बट इसके लिए रेनीरा को शादी करनी होगी। अच्छा होगा कि रेनीरा अपने क्लेम को और मजबूत करने खुद के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लड़का ढूंढे। उधर स्टेप स्टोन्स पर हालत बद से बदतर हुए जा रही थी। लेनर को लगता है कि क्रैप फीडर की आर्मी को केओस से निकालने का बस एक ही रास्ता है, किसी को तो चारा बन के खुद वहां जाना होगा। लेनर के हिसाब से डेमन इस काम के लिए परफेक्ट बेट होगा, लेकिन कॉर्लिस के भाई को लगता है कि डेमन की वजह से ही वो ये लड़ाई हार रहे हैं, उस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। तभी वहां डेमन भी आ गया। सबके चेहरे देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि अब तो सिपाहियों को भी डेमन पर कॉन्फिडेंट नहीं रहा, इन सब ने ऑलरेडी हार मान ली थी। फिर विसेरिस के भेजे मैसेंजर ने सबको खबर दी कि राजा साहब इनके लिए मदद भेज रहे हैं। यह सुनते ही डेमन की सटक गई और वो मैसेंजर को ही कूटने लग गया। डेमन अकेला बोट में बैठकर क्रैप फीडर के आगे सरेंडर करने चला गया, लेकिन जल्दी हम समझ गए कि यह तो बस क्रैप फीडर की आर्मी को केओस से बाहर निकालने की चाल थी। डेमन ने मौका देखकर अकेले क्रैप फीडर की आर्मी पर हमला कर दिया। फुल ऑन बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड वन मैन शो लड़ाई। माना कि एक दो एरोज लग गए, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा हो गया। कुछ ही देर में क्रैप फीडर की आर्मी ने डेमन को चारों तरफ से घेर लिया। क्रैप फीडर दूर खड़ा ड्रैगन्स पर नजर रखे हुए था। इसे यह नहीं पता था कि कॉर्लिस एक सी स्नेक की आर्मी भी पास खड़ी सबके बाहर आने का वेट कर रही थी। मौका देखकर कॉर्लिस की फौज ने क्रैप फीडर की आर्मी पर हमला कर दिया। लेनोर अपने ड्रैगन सी स्मोक पर बैठा ऊपर से सब पर आग बरसाने लगा। क्रैप फीडर यह देखकर फौरन गुफा के अंदर भाग गया। डेमन भी उसके पीछे चला गया।
कुछ देर बाद ही डेमन क्रैब फीडर की 50% ऑफ बॉडी लेकर गुफा से बाहर चला आया। सबके लिए एक खुला मैसेज कि डेमन टारगेरियन को हल्के में मत लेना। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। एक दो चीजें छोड़कर मुझे ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा। तो शो रनर्स ने क्रैब फीडर को बड़ा विलन बनाकर बुक से अलग जाने का रिस्क नहीं लिया। होपफुली आपके प्रॉब्लम्स भी क्रैब फीडर के कैरेक्टर आर्क की तरह ही हो, शुरू होते ही खत्म हो जाए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।